दोस्तों, बहुत दिनों से मैं चक्रव्यूह इस फिल्म के बारे में बात करना चाह रहा था। प्रकाश झा की ये फिल्म है, पॉलिटिकल थ्रिलर, 2012 में रिलीज़ हुई थी। ठीक 2 साल के बाद में दंतेवाड़ा में जो नक्सलियों का हमला हुआ था हमारे वीर जवानों पर, जिसमें 76 हमारे वीर जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में अलग अलग जगह पर 6 नक्सली हमलों में अब तक सुरक्षा बलों के 70 से ज्यादा जवान शहीद हो गए हैं। इन हमलों को 1000 से ज्यादा नक्सलियों ने अंजाम दिया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लड़ रहे जवानों का मनोबल गिरा हुआ था। इसकी वजह से ही 6 अप्रैल को दंतेवाड़ा में चिंतनार के जंगलों में 76 जवान मारे गए थे। चिंतनार के जंगलों में नक्सलियों के दबदबे वाले इलाके में सीआरपीएफ के सिर्फ एक कंपनी को भेजने के फैसले पर भी सवाल उठाया गया है। राममोहन कमेटी की जो रिपोर्ट है वो इस बात का खुलासा कर रही है कि वहां लड़ रहे सीआरपीएफ के जवानों का मनोबल गिरा हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीआरपीएफ की एक टुकड़ी को वहां भेजा गया था वो किसी ऑपरेशन के तहत इन जंगलों में नहीं गई थी। सवाल ये उठ रहे हैं कि सिर्फ एक ही कंपनी सीआरपीएफ की क्यों भेजी गई इस इलाके में, जहां कोई प्लान नहीं था नक्सलियों के खिलाफ किसी लड़ाई का। चिंतनार के जंगलों में जहां नक्सलियों का दबदबा है उस इलाके में सीआरपीएफ की सिर्फ एक कंपनी को भेजने के फैसले पर भी इस रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं। बीएसएफ के रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल हैं ईएन राममोहन, जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे। दे अराइव इन प्लेसेस वेयर देयर इज अ डीप एंड एंडेमिक इनजस्टिस। सो अनफॉर्चुनेटली इफ यू आर गोइंग टू हैव 60 years of sort of decimating a people, and then when people start fighting back, say, oh, now we have to fight them even more, we're going to send army, we're going to send air force, obviously what is going to happen is that this country is going to rise into a kind of civil war where people do fall on two sides. So first you will have to stop Operation Green Hunt. You know, you'll have to pull police forces out of the schools and out of the villages. You'll have to stop these cordon and search operations, because the only option you're giving to people is either surrender, leave us your lands, give up everything, or we're going to kill you. उस नक्सली हमले के ठीक 2 वर्ष के बाद में प्रकाश झा ने ये फिल्म बनाई थी, और लगभग उसी प्रीमिस को, उसी घटना को इसमें उपयोग किया गया है। वहीं से इस फिल्म की शुरुआत होती है। तो देखिए, फिल्म की शुरुआत में एक प्रोफेसर को दिखाया है, ओम पुरी ने उस कैरेक्टर को प्ले किया है। उसे पुलिस गिरफ्तार करती है क्योंकि उसके नक्सलियों के साथ में कनेक्शन है। नक्सलियों को बौद्धिक, कानूनी, सामाजिक संरक्षण वगैरह देना, ये सब काम वो करता है। तो पुलिस उसको वहाँ से गिरफ्तार करती है, और उसके बाद में फिर एक हमले में झूठी खबर पुलिस वालों को मिलती है कि वे नक्सली एक जगह पर है, एक ट्रैप होता है, और वहाँ पर फिर ये सारे नक्सली मिलकर पुलिस वालों पर हमला करते हैं, जिसमें 84 संख्या बताई है, और जो दंतेवाड़ा की घटना थी उसमें 76 हमारे वीर जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। यहाँ पर 84 पुलिसकर्मी वीरगति को प्राप्त होते हैं। और इसके बाद में फिर जो अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर है आदिल खान, उसे बड़ा अपने उसूलों का पक्का वगैरह नेक दिल दिखाया है, तो वो अपने जो दोस्त है कबीर, उसे इन नक्सलियों के, मतलब कबीर की ही आइडिया होती है कि वो वहाँ पर जाएगा बेस बदलकर नक्सलियों के बीच में, और वहाँ से इसको खबरें वगैरह जो भी जानकारी है, इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करता रहेगा ताकि वो पकड़ सके, क्योंकि आदिल खान पर इस प्रकार से हमला किया गया था, उसको भी एक गोली लगी थी। इस वजह से कबीर उसकी मदद करने के लिए वहाँ नक्सलियों के कैंप में जाता है। यहाँ पर इस फिल्म में अभय देओल और अर्जुन रामपाल, इनके साथ में ईशा गुप्ता, मनोज वाजपेयी, अंजलि पाटिल, ये भी है, ओम पुरी वगैरह ये भी है। और जो ईशा गुप्ता है उसके कैरेक्टर का नाम है रिया मेनन, और वो उसे अर्जुन रामपाल की पत्नी यहाँ पर दिखाया गया है। अब फिल्म में आगे बताया गया है कि कबीर जब वहाँ पर नक्सलियों के कैंप में जाता है तो वहाँ पर जाकर उसका मन परिवर्तन हो जाता है। वो देखता है कि भाई नक्सली तो बड़े ईमानदारी के साथ में अपने कॉज के लिए, अपने एक उद्देश्य, एक पर्टिकुलर उनके सामने उद्देश्य है आदिवासियों का, वो भला चाहते हैं, आदिवासियों की ज़मीन को बचाना चाहते हैं, और इसलिए वो बड़ी ईमानदारी के साथ में आदिवासियों के हक के लिए वो वहाँ पर लड़ रहे हैं। और इसके लिए फिर कबीर का मन परिवर्तन हो जाता है, इतना मन परिवर्तन हो जाता है कि वो खुद भी बंदूक उठाकर पुलिस वालों पर चलाने लगता है, और पुलिस वालों को वो धड़ाधड़ मारने लग जाता है। इसके अलावा फिल्म में एक और दिखाया गया है कि वो जो महानता ग्रुप है
कबीर बेदी का कैरेक्टर है वो महानता ग्रुप का, तो वो भी अपनी तरफ से इन आदिवासियों की ज़मीन को खाली करने की कोशिश करते हैं। इसमें सारे पॉलिटिशियंस वगैरह मिले हुए हैं और इसके लिए फिर वो जो गांव के जो दूसरे लोग हैं जो ऑब्वियसली भगवा झंडा वगैरह उनको लगाए हुए गाड़ियों पर दिखाया गया है, सैकड़ों सैकड़ों ऐसे भगवा झंडा लगा कर बड़ी बड़ी गाड़ियों में ये लोग आते हैं और उन आदिवासियों को वहाँ से खदेड़ने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर ज़बरदस्ती भगवा झंडा इन्होंने मतलब प्रकाश जाने क्यों दिखाया वो आप समझ ही सकते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर कहानी ये है कि भाई फिल्म के फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा पुलिस की जो उनकी वीर गति को वगैरह प्राप्त होना उन्होंने दिखाया है, पर सेकंड हाफ में जाकर फिल्म पूरी तरीके से इन सब बातों को जस्टिफाई करती है कि भाई ये जो नक्सली कर रहे हैं ये सही है, ऐसा ही करना चाहिए। अगर कोई न्यूट्रल व्यक्ति कबीर जैसा भी अगर वहाँ पर जाते उसका भी मन परिवर्तन हो सकता है, या जो गोविंद जैसा जो एक प्रोफेसर का कैरेक्टर दिखाया गया है वो उसको तक फिल्म में जस्टिफाई किया गया है कि भाई उसके प्रति सिंपथी पैदा की गई है, उसके लिए वो जो कबीर का कैरेक्टर है वो अपना बलिदान दे देता है कि भाई मनोज वाजपेयी का जो पात्र है और जो गोविंद प्रोफेसर का कैरेक्टर है उनका जिंदा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो आदिवासियों के हक के लिए लड़ रहे हैं, और इसलिए वो कबीर अपना अभय देओल का जो पात्र है वो फिल्म के एंडिंग में अपना बलिदान दे देता है। तो ये कुल मिलाकर इस फिल्म की पूरी कहानी दिखाई गई है। अब देखिए मतलब बड़ी ही हास्यास्पद ये कहानी है, सच्चाई से पूरी तरीके से अपोजिट, पूरी तरीके से उल्टी, 100% सच्चाई से पूरी तरीके से अपोजिट सच्चाई इस फिल्म में दिखाई गई है। मतलब इसका सच्चाई के साथ में 1% भी 0.00001% भी कहीं से भी कोई कनेक्शन नहीं है। सच्चाई ये है कि ये जो नक्सली है ये हमेशा से आदिवासियों पर अत्याचार करते आए हैं, वो नहीं चाहते कि ये जो आदिवासी के जो क्षेत्र उन्होंने अपना एक सत्ता एक प्रकार से वर्चस्व स्थापित करके रखा है इन क्षेत्रों पर वो उनके हाथ से छूट जाए। इस वजह से आदिवासियों को लूटना, उनसे पैसे लेना, तथाकथित उनको सुरक्षा देने के नाम पर, उनकी ज़मीन बचाने के नाम पर वो उन क्षेत्रों का विकास नहीं होने देते। वहाँ पर अगर कोई विकास कार्य होता भी है, सरकार अगर कोई रास्ते वगैरह भी बनाती है तो उन रस्तों को बम से उड़ा दिया जाता है। वो जो काम करने वाले जो वर्कर्स वगैरह है, जो रस्ते बनाने वाले वर्कर्स है, उनकी जो गाड़ियाँ है उनको बम से उड़ा दिया जाता है। वहाँ पर विकास कार्य होने नहीं देना चाहते क्योंकि अगर उन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएँ पहुँच जाए, हॉस्पिटल पहुँच जाए, स्कूल वगैरह पहुँच जाए, रस्ते पहुँच जाए, मूलभूत सुविधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वहां पर पहुंच जाए तो ये क्षेत्र इन नक्सलियों के हाथ से छूट जाएगा, आदिवासियों का विकास होगा, और यही बात ये नक्सली नहीं चाहते हैं और इस वजह से फिर ये इस प्रकार से हमले करते रहते हैं। मैंने इसके पहले भी ये बात आपको कई बार बताई हुई है, हमारे न्यूटन के रिव्यू में भी, हमारे बेताल के रिव्यू में भी कई सारी ऐसी घटनाएं मैंने वहां पर एक एक घटना पढ़कर सुनाई है कि कैसे ये जो नक्सली है उन्होंने कई सारे अनगिनत आदिवासियों की हत्या की है, बहुत निर्ममता से हत्या की है। इतना ही नहीं, कई सारे आदिवासियों के घरों को इन नक्सलियों ने जलाया है। इन आदिवासी महिलाओं के साथ में कितने घिनौने घिनौने क्राइम्स होते हैं, इन आदिवासी महिलाओं का किस प्रकार से रेप करते हैं, कैसे बलात्कार के अड्डे हैं ये नक्सलियों के कैंप। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद एक पूर्व नक्सली, एक पूर्व माओवादी संगठन की महिला सदस्य शोभा मंडी, उन्होंने अपनी पुस्तक एक माओवादी की डायरी, इस पुस्तक में इन सभी बातों का खुलासा किया हुआ है। तो इतने भयानक क्राइम्स के, इतने भयानक महिलाओं के ऊपर अत्याचार होने वाले ये जो क्राइम्स के अड्डे हैं, ये नक्सलियों के कैंप, इन सारे नक्सलियों के कैंप को इस फिल्म में बड़ा ईमानदार, बड़ा महान, बड़ा दिल, बड़ा मतलब ईमानदारी से अपने कॉज के लिए लड़ने वाला बताया है। इतना ही, इतना क्या मतलब, वो जो नागा नाम का एक कैरेक्टर है वो थोड़ा सा कुछ हिसाब में इधर उधर कर देता है, एक महिला के साथ में उसके शारीरिक संबंध है, तो ये पता चलते ही ये सारे के सारे नक्सली उस कैरेक्टर को ही मार देते हैं। मतलब इतना ईमानदार, इतना नेक दिल उनको बताया गया कि भाई थोड़ा भी हम एक पैसा भी इधर उधर नहीं जाने देंगे, ये सब हमारे यहाँ पर नहीं चलेगा, हम तो ईमानदारी से आदिवासियों के लिए लड़ने वाले हैं। इतना महान, मतलब इनके नक्सलियों के जितना महान तो इस पूरे विश्व में जैसा कोई है ही नहीं, ये बात ये फिल्म हमारे दिमाग में डालने की कोशिश करती है, जो कि सच्चाई से पूर्ण रूप से विपरीत है। अब ये सब क्यों होता है आप ज़रा ध्यान से इस बारे में सोचिए। अब ये जो गोविंद का ये जो कैरेक्टर है प्रोफेसर का, ओमपुरी ने जो प्ले किया है, देखिए ऐसे कई सारे प्रोफेसर हैं हमारे देश में जो खुलेआम इस लाल आतंक की विचारधारा को स्टूडेंट्स के बीच में प्रमोट करते हैं, खुलेआम ये नक्सलियों, ये लाल आतंकियों के लाल झंडे वगैरह पकड़ना, इनकी नक्सलियों को सपोर्ट करना, या दंतेवाड़ा में हमारे क्षेत्र जवान वीरगति को प्राप्त होने के बाद में जश्न मनाना। कि एक और बात आप यहाँ पर ध्यान मिलाइए, ये जो नक्सली है इनका फॉरेन फंडिंग से जो यहाँ पर भारत में धर्मांतरण होता है उनके साथ में हमेशा से कनेक्शन रहा है। फॉरेन से यहाँ पर अरबों अरबों की फंडिंग होती है धर्मांतरण के लिए, और जिन ये ज़्यादातर आदिवासी क्षेत्रों में होता है, शहरों से ज़्यादा बहुत ज़्यादा आदिवासी क्षेत्रों में ही ज़्यादातर ये काम होता है। जिन आदिवासी क्षेत्रों में हमारी जो पुलिस है वो भी जाती है तो वीरगति को प्राप्त हो जाती है, इतने भयानक खतरनाक ये क्षेत्र है, वहाँ पर भी
ये आराम से पहुंच जाते हैं धर्मांतरण वाले, बड़ी आराम से आदिवासियों का धर्मांतरण करते। कैसे होता है ये सब? मैंने पालघर का भी इसके पहले उदाहरण दिया हुआ है कि जिस पालघर में साधुओं की निर्ममता से लिंचिंग हुई, और उसी पालघर में उसके ठीक उस घटना के ठीक एक साल पहले का वीडियो मैंने इसके पहले दिखाया हुआ है, जहां पर जो धर्मांतरण करने वाले हैं वो खुलेआम हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध नफरत फैला रहे हैं, जहर फैला रहे हैं उसी क्षेत्र में। कि हमारे देश में आप किसी भी हिस्से में चले जाइए, जो आदिवासी हैं वो कभी भी साधु संतों से नफरत नहीं करते। हमारे देश के आदिवासी तो साधु संतों का बहुत सम्मान करते हैं। साधु संतों के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाएंगे हमारे देश के आदिवासी। उन्होंने पालघर को राजनीतिक वर्चस्व और धार्मिक वर्चस्व की लड़ाई का मैदान बताया है। स्थानीय जानकार जो हैं, उन्होंने पालघर में वामपंथी दलों और क्रिश्चियन मिशनरीज के गठजोड़ की बात हमें बताई, और ये भी बताया कि हिंदूवादी संगठन और हिंदू साधु संत इन लोगों की आंखों में बहुत चुभते हैं। हमें यह भी पता चला कि यह इलाका ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार और धर्मांतरण करने का एक बहुत बड़ा अड्डा है, बहुत बड़ा गढ़ है। तो ये धर्मांतरण करने वाले इन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कैसे आराम से पहुंच जाते हैं? इसलिए जितने भी वामपंथी है, जितने भी तथाकथित लिबरल्स है, ये तथाकथित ये जो पूरा इनका इकोसिस्टम है लेफ्ट का, ये हमेशा से कन्वर्जन करने वालों के खिलाफ कभी भी कुछ बोलेगा नहीं। हमेशा ये नक्सलियों को क्रांतिकारी दिखाएंगे, उसी प्रकार की फिल्में बनाएंगे, उनको जितना हो सके कानूनी, बौद्धिक, सामाजिक उनको संरक्षण देंगे, उनके प्रति सिंपथी पैदा करने वाला आर्टिकल्स लिखेंगे, फिल्में वगैरह बनाएंगे, ये पूरा इनका इकोसिस्टम है। पर कन्वर्जन के खिलाफ ये एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, भले ही फॉरेन फंडिंग से। अभी देखिए केरला का जो बिलीवर्स चर्च है, उसने झारखंड में अरबों की जमीन खरीदी फॉरेन फंडिंग से, फिर भी ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे देश में फॉरेन फंडिंग से अरबों की जमीन खरीदी जाती है इस प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों में, पर फिर भी ये लोग उस पर चुप रहते हैं। अगर इनको सच में आदिवासियों की जमीन की चिंता होती ना, तो ये लोग इस पर बोलते। ये जो प्रकाश झा जैसे जो बुद्धिजीवी है, या जो हमारे देश के वामपंथी ने, अगर सच में आदिवासियों की जमीन की चिंता होती तो ये उस पर कुछ बोलते ना, तो ये नहीं बोलते। बार 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 अपने ही देश के प्रति नफरत भरी जाती है, अपनी ही व्यवस्था के प्रति, अपनी ही पुलिस के प्रति, अपने ही सिस्टम के प्रति नफरत भरी जाती है कि भाई ये देश देखे कैसे तुम पर अत्याचार कर रहा है, तुम पर विकास नहीं होने दिया जा रहा, तुम्हारे यहाँ पर कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है, और मूलभूत सुविधा यही नहीं पहुँचाते हैं वहाँ पर, ताकि आदिवासियों के मन में ये असंतोष बढ़ता जाए। ये पूरा ध्यान ये पूरा इनका इकोसिस्टम रखता है, उसी प्रकार के आर्टिकल्स छापेंगे, फिल्में बनाएंगे, ताकि उनका कन्वर्जन करना आसान हो सके। उनको ये बताया जाएगा कि भाई देखो कैसे अत्याचार हो रहे हैं, ये जो तुम्हारी संस्कृति है उस वजह से तुम पर अत्याचार हो रहे हैं, इस ये देश तुम पर अत्याचार कर रहा है। तो ये इतनी बड़ी समस्या है। आप देखिए दोस्तों, एक तरफ ये वामपंथी है, ये लेफ्ट का इकोसिस्टम है, ये लिबरल्स है, ये नक्सली है, और ये कन्वर्जन करने वाले हैं, और दूसरी तरफ आतंकवाद की समस्या तो पूरी तरीके से अलग है। और जब केवल कुछ लोग अपनी संस्कृति को नष्ट ना करो, ये हम कहते हैं कि भाई प्लीज़ हमारी संस्कृति को नष्ट ना करो, हम किसी का धर्मांतरण नहीं करना चाहते, हम किसी का विरोध नहीं करना चाहते, जिसको जिस संस्कृति का पालन करना है, जिस मत पंथ संप्रदाय का पालन करना है करे, कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम हमारी संस्कृति को नष्ट मत करो। ये अगर हम कहते हैं तो तुरंत ये कहते हैं कि भाई ह्यूमैनिटी, मानवता, भाई मानवता की बात करो, मानवता की बात करो। भाई हमारी ही एक सनातन संस्कृति ऐसी है जो मानवता की बात करती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करती है। हमारी सनातन संस्कृति में बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स का कोई भी कंसेप्ट नहीं है कि भाई ये बिलीवर्स है, ये नॉन बिलीवर्स है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं। हम सबके मंगल की कामना करते हैं, केवल मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र ही नहीं, हम अंतरिक्ष के मंगल की कामना करते हैं, प्राणी मात्र के नदी नाले पहाड़ इनकी तक हम पूजा करते हैं। इतनी महान हमारी सभ्यता है, कम से कम इसे नष्ट मत करो, ये हम केवल कह रहे हैं। हमें किसी का विरोध नहीं करना, किसी का धर्मांतरण नहीं करता, पर बस हमारी संस्कृति को नष्ट मत करो, इतनी ही प्रार्थना है। और चक्रव्यूह इस फिल्म में प्रकाश झा जिस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं ना कि भाई आपको अगर सिस्टम से प्रॉब्लम हो तो पुलिस वालों के खिलाफ बंदूक उठा लो और उन पुलिस वालों को गोलियों से भून दो इसी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं ना प्रकाश झा। तो भाई इस हिसाब से अगर इस देश में कई सारे लोग हैं जिनको कभी किसी गलत केस में पुलिस पकड़ लेती है, या कहीं पर कहीं पुलिस का डंडा लग जाता है, या कहीं पर कुछ ना कुछ किसी प्रकार से कुछ ना कुछ अन्याय उनके साथ नहीं हुआ है, कार्यपालिका के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कुछ ना कुछ अन्याय हुआ है, तो क्या इस पूरे देश को बंदूक उठा लेनी चाहिए? ये किस प्रकार का लॉजिक है? आपने फिल्म में दिखाया कि भाई स्टील प्लांट को बम से उड़ा दिया, वो जो महानता प्रोजेक्ट था, वहाँ पर काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स को उड़ा दिया, ये किस प्रकार का लॉजिक है? ये किसको किस प्रकार से कोई भी जस्टिफाई कर सकता है? दोस्तों वैसे बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, पर अब वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जहाँ तक बात है रेटिंग की, तो देखिए चक्रव्यूह मतलब क्या रेटिंग दे रही है इसको, ये तो 0 स्टार के भी लायक नहीं है। इतनी ज़्यादा इलॉजिकल और वाहियत और नॉनसेंस मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो देखिए इसमें डायरेक्टली न्यूडिटी तो नहीं है, पर फिल्म की थीम अडल्ट है, एक रेप का सीन भी इसमें फिल्म में दिखाया गया है।
तो एक अडल्ट थीम है, वायलेंस भी है और ढेर सारी मतलब जो भी है स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज वगैरह, ग्राफिक वायलेंस, तो आप परिवार के साथ में देखने जैसे तो ये चीज़ नहीं है। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देख लिया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। जय श्री राम, वंदे मातरम।